मुंजिया, एक ऐसा अर्बन लेजेंड जिसका जिक्र आजकल हर कोई करता नजर आ रहा है। ये मुंजिया आखिर है क्या? क्या ये कोई प्रेत है या कोई देव जिसकी पूजा की जाती है? मुंजिया का जिक्र हमारे वेद पुराणों में भी किया गया है, जैसे ऋग्वेद में इसके बारे में काफी कुछ जानने को मिलता है। पुराने समय में जब जनेऊ धारण किया जाता था उसे मुंज विधि भी कहते थे। जिन बच्चों को जनेऊ पहनाया जाता ऐसे बच्चों को बटो, मुंजमणि, ब्रह्मचारी इन सब नामों से बुलाया जाता है। आपने कभी ध्यान दिया हो तो हनुमान चालीसा में भी इसका जिक्र किया गया है। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। हनुमान जी जनेऊ धारी हैं और वो मुंज धारण करते हैं। तो अब सवाल उठता है, क्या हनुमान जी भी एक मुंजा है? तो इसका जवाब है नहीं। मुंजा खासकर महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश, बंगाल, असम और साउथ इंडिया में प्रचलित है। बाकी इलाकों में इसे दूसरे नामों से जाना जाता है। माना जाता है अगर कोई लड़का 8 से 13 साल की उम्र में किसी कारणवश मर जाता है और इसके बाद अगर वो प्रेत योनि को प्राप्त करता है तो उसे मुंजिया कहते हैं, और ये मुंजिया पीपल के पेड़ पर निवास करता है। कुछ जगहों पर तो इन्हें ब्रह्म राक्षस भी कहा जाता है, क्योंकि इनके पास काफ़ी शक्तियाँ होती हैं। बंगाल और कोलकाता के इलाकों में मुंजा को अघोरी तांत्रिक सिद्ध करते हैं और इनसे वचन लेकर अपने कार्य कराते हैं। इस साधना को कच्चा कलवा साधना भी कहा जाता है, जो कि मसान में की जाती है। ये साधना 3 से 5 दिनों की होती है। मुंजिया एक बच्चे का प्रेत होता है, इसलिए जब मुंजिया साधना में वो प्रकट होता है तब मिठाई के भोग के बदले में कुछ कार्य करने के लिए तांत्रिक वचन लेते हैं। ये आत्मा होती तो छोटे बच्चे की है, मगर ये बहुत खतरनाक होते हैं। छोटे बच्चे की आत्मा होने की वजह से इन्हें मंदिर के अंदर जाने से भी डर नहीं लगता। अगर कोई इनके निवास स्थान पीपल के पेड़ पर पत्थर फेंके या कोई मलमूत्र करे या पेड़ के पास आके कोई नशा करे, तब मुंजिया अपना बदला उनसे ज़रूर लेता है। मुंजिया से पीड़ित इंसान बीमारियों से घिरा रहता है और इसके चलते उनकी मौत तक हो सकती है। अगर कोई प्रेग्नेंट औरत इनकी चपेट में आ जाए तब उसके बच्चे को बचा पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। मुंजिया प्रेत ऐसी महिलाओं के संपर्क में जल्दी आते हैं जो प्रेग्नेंट होती हैं। पुराने समय में लोग एक दूसरे से जलन के चलते अपने दुश्मन का वंश बढ़ने से रोकने के लिए मुंजिया को सिद्ध कर उनके पास भेजते थे। कुछ लोग इनकी पूजा भी करते हैं, पर ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता। इसके परिणाम काफ़ी विपरीत हो सकते हैं। ये एक ही झटके में आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर सकते हैं। मैंने अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ के एक छोटी सी समरी बनाई आपके लिए मुंजिया के ऊपर। हो सकता है आप मेरी बातों से एग्री ना करो, पर एक चीज़ बड़ी कॉमन थी हर जगह। मुंजिया के पास अलौकिक शक्तियाँ होती हैं, जैसे ब्रह्म राक्षस, और ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो अब हमारी कहानी की शुरुआत होती है। कहानी है एक कपल की, जिनकी शादी को 7 साल हो चुके थे, पर इतने सालों में इन्हें कोई संतान नहीं हुई। अलग अलग कई अस्पतालों में दिखाया, बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए, पर कहीं से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। घर के बड़े बुजुर्ग जहां कहते वहां चले जाते, कभी इस बाबा को दिखाओ, कभी उस मंदिर चले जाओ, पर इनकी ये इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। एक रात ये दोनों कहीं बाहर गए थे, किसी ने खाने पर बुलाया था, और वापस आते आते देर हो गई। रात 11:30 बजे स्कूटी पर घर के लिए निकलते हैं। दोनों बातें करते हुए अपनी मस्ती में जा रहे थे। घर अभी दूर था, जल्दी पहुंचने के लिए एक हाईवे पकड़ लिया। रात को हाईवे पर ट्रक बड़ी तेज चलते हैं। पीछे से एक ट्रक इनसे साइड मांगता है
और वो अपनी स्कूटी थोड़ी साइड करके उसे जाने देते हैं। स्कूटी में स्पीड थोड़ी कम करने के बाद फिर से रेस दी तो वो बंद हो गई। रात को एक हाईवे पर अचानक से ऐसे स्कूटी का बंद पड़ जाना जहां चारों तरफ घना अंधेरा और दूर दूर तक कोई नहीं, कुछ बड़े बड़े ट्रक जो थोड़ी थोड़ी देर में आपके पास से गुजर रहे हैं, हाईवे के साइड में कुछ बड़े बड़े पेड़ हैं। इस वक्त जहां ये लोग खड़े थे शायद इनका ध्यान नहीं गया या देख के अनदेखा कर दिया, वहां एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। बीवी ने अपने पति को कहा, मुझे डर लग रहा है, स्कूटी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? पति कहता, मैं भी वही कोशिश कर रहा हूं, दो मिनट रुको बस। बीवी खड़ी कभी स्कूटी की तरफ देखती कभी आसपास सड़क पर, ऐसे में रात को कोई मदद भी नहीं मिलेगी। अचानक से बीवी की नजर वहां उस बड़े से पीपल के पेड़ पर गई। उसने बिना कुछ सोचे उस पेड़ की तरफ देखा और अपने हाथ जोड़े और दिल ही दिल प्रार्थना करने लगी कि जल्दी से यहां से निकालने में मदद कीजिए हमारी। जैसे ही उसने अपने हाथ नीचे किए पति ने स्कूटी में सेल्फ मारा और वो एकदम से स्टार्ट हो गई। बीवी ये देखते ही बड़ी खुश, उसने दोबारा से अपने हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगी कि जल्दी से मां बनने का सुख भी मिल जाए मुझे। पति ने कहा, अब जल्दी बैठो स्कूटी पे। दोनों स्कूटी पर बैठ वहां से घर के लिए निकल गए। यार स्कूटी कल मैकेनिक को दिखानी पड़ेगी, बड़ी भारी सी चल रही है। बीवी कहती, अभी घर तक तो चलो, पहले मुझे घर पहुंचा दो बस। आधे घंटे बाद दोनों घर पहुंचे, स्कूटी पार्किंग में लगाई और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगे। बीवी ने एकदम से पति का हाथ पकड़ा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ बस थोड़े चक्कर से आ रहे थे। वो उसका हाथ पकड़ के बेडरूम तक लाया, कहा कि तुम रेस्ट करो, मैं बस अभी आया फ्रेश होके। बीवी ने पति का हाथ खींचते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो, थोड़ा पास आओ ना। और दोनों एक दूसरे को देखते हुए कुछ पल साथ बिताते हैं। दोनों को कब कब में नींद आ गई पता नहीं चला। इस वक्त रात के 2 बजने को थे। अगले दिन सुबह 10 बजे तक भी इनकी आंख नहीं खुलती, जबकि रोज सुबह जल्दी उठते थे। इतने में पति का फोन बज उठा, फिर उसकी आवाज से दोनों की आंख खुली। मां का फोन था नीचे से, बोल रही थी, तुम दोनों आए नहीं अभी तक? हाँ मां, बस अभी आ रहे हैं, जल्दी से फ्रेश व्रेश होके नीचे पहुंचे। नाश्ता करते हुए मां ने पूछा, तुम्हें वो अस्पताल में दिखाना था ना आज? हाँ जी, वो 12 बजे का अपॉइंटमेंट है। खा पी के अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे और अस्पताल के लिए निकल गए। रास्ते में एक मैकेनिक की दुकान थी, उसे आवाज लगाई, उस्ताद जी अभी आधे घंटे में आता हूँ स्कूटी लेके। थोड़ी देर में अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह किए फिर इनके और कहा कि थोड़ा वेट करो, रिपोर्ट अभी आ रही है। 15-20 मिनट बाद दोनों को अंदर बुलाया गया। डॉक्टर ने बताया कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है। पहले तो इन्हें यकीन ही नहीं हुआ, फिर रिपोर्ट दिखाई, बच्चे की एक्सपेक्टेड डेट पूरे 9 महीने बाद की थी। खुशी खुशी दोनों घर के लिए निकल गए। घर पहुंचे और जब घर वालों को यह खबर मिली तो सारे बड़े खुश, सिवाय उसके पति के। जो बात उसे पहले समझ में नहीं आई उसने अब अपनी बीवी से पूछा, कल रात एकदम से ये सब कैसे हो गया? कुछ तो बात है। बीवी ने कहा, तुम बस ये सोचो कि अब घर में खुशी आने वाली है। इसके बाद से ये कहानी और भी ज्यादा डार्क हो जाएगी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे पति की चिंता बढ़ती जा रही थी। उसकी बीवी के अंदर एकदम से कुछ ऐसे बदलाव होने लगे जिसके लिए वो तैयार नहीं था। वो देखता कि उसकी बीवी जब कमरे में अकेली होती तो किसी से बात करती थी जैसे कोई उसके साथ बैठा है, और जब कमरे में कोई होता तो वो किसी से भी बात नहीं करती, बड़ी उदास सी हो जाती। खाने के टाइम सोती क्योंकि उसे किसी के साथ नहीं बैठना।
और जब सारे सो जाते तो किचन में जाके खाना लेके बालकोनी में चली जाती और हाथों के इशारे से सामने खाना कर देती, जैसे किसी को दिखा रही हो या अपने हाथों से खिला रही हो। अचानक से उसने मांस मच्छी की डिमांड करनी शुरू कर दी, जबकि हमारे घर में कोई भी नॉनवेज नहीं खाता था। मैंने इस बारे में माँ को बताया। माँ ने कहा, बेटा ऐसे में औरत के अंदर काफ़ी बदलाव आते हैं, वो जो मांग रही है, जो उसका मन कर रहा है उसे लाके दे, तू हमारी चिंता मत कर। पति बेचारा किसी को भी समझा नहीं पा रहा था जो वो देख रहा है। करते करते 4 महीने गुजर गए और उसकी बीवी की हरकतें इतनी बढ़ गई कि उससे देखा नहीं जाता था। घर वालों के सामने वो नॉर्मल रहती, पर मैंने उसका असली रूप देखा है। कई बार तो ऐसा होता, वो बाथरूम में जाके अपने पेट को सहलाती और कुछ गाना गाने लगती, कहती कि तूने बड़ी देर कर दी आने में। पति उससे कुछ भी पूछता, वो किसी भी बात का जवाब नहीं देती और मुंह बना के बालकोनी में चली जाती, फिर वहां किसी से बातें करने लगती। एक रात 2:30 बजे के आसपास जब वो सो रहा था, तब अचानक से उसे कुछ आवाज आई, जैसे कोई खुद को मार रहा है। उसने उठते ही सबसे पहले अपनी बीवी को ढूंढा, वो कमरे में नहीं थी, बालकोनी का दरवाजा भी बंद था। वो बेड से उठ के किचन में गया, वहां भी कोई नहीं। आवाज वॉशरूम से आ रही थी। उसने देखा कि वॉशरूम की लाइट जली हुई है और दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ जाता है, उसे पता है वहां उसकी बीवी होगी, पर वो मार किसको रही है? उसने चुपके से देखा तो उसकी बीवी शीशे के सामने खड़ी हुई है। उसने अपने कपड़ों को ऊपर किया है, उसका पेट दिखाई दे रहा है और वो अपने पेट पर जोर जोर से थप्पड़ मार रही थी। ये देखते ही पति ने एकदम से दरवाजा खोला और वो रुक गई। क्या हुआ है तुम्हें, ये सब क्या कर रही हो? वो किसी भी बात का जवाब नहीं देती और चुपचाप आके बेड पर लेट जाती है। पति आके उससे पूछता है, तुम ठीक हो ना? देखा तो वो सो चुकी थी, वो भी उसके पास लेट गया। फिर अगले दिन पति ने माँ को ये बात बताई और माँ भी डर गई कि वो क्यों कर रही है ऐसा। बेटा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं कुछ करती हूँ, किसी से बात करती हूँ इस बारे में। इस बात के 2 दिन बाद रात के 1:30 बजे पति बस लेटा हुआ था, उसने आंखें बंद की हुई थी पर उसे नींद नहीं आ रही। तब उसे महसूस हुआ कि उसकी बीवी बेड से उठ के बैठ गई है। पति अपनी आंखों को थोड़ा थोड़ा खोल के देख रहा था। वो थोड़ी देर बैठी रही और किसी से बात करती है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और इसे भी ले जाएंगे। वो उठ के वॉशरूम में गई, लाइट जलाई और पानी चला के बैठ गई। पति आज उसकी सारी हरकतें नोट कर रहा था पर वो उठा नहीं। वॉशरूम के अंदर काफी देर तक बैठी रही वो। एकदम से अंदर से आवाज आई, जैसे वो दीवार में अपना सर मार रही है और हंसने की आवाज आ रही थी। इस बार पति जल्दी से उठ के गया और जाते ही दरवाजा खोल के देखा तो उसकी बीवी दरवाजे के पीछे बैठी फर्श को चाट रही थी। अपने पति को देखते ही वो रुक गई, चुपचाप उठ के बाहर आई, कुछ बड़बड़ा रही थी। बेड पर आते ही उसे नींद आ गई। पति उसके साथ लेटा और कब कब में दोनों सो गए पता नहीं चला। अगले दिन माँ ने एक सिद्ध बाबा को घर में बुलाया। वो दोपहर 12 बजे घर में आए, उस वक्त बहू सो रही थी। बाबा ने उसके कमरे में जाके देखा, वहां पर उन्हें मिला तो कुछ नहीं, पर कमरे में एक अजीब सी बदबू महसूस हुई उन्हें। बहू के सर पे हाथ फेरा और वो लेटी लेटी एकदम से अपनी आंखें खोलती है और गोल गोल घुमाने लगती है, उसका शरीर एकदम से कांपने लगता है। बाबा सबको पीछे हटने के लिए कहते हैं,
पति तो ये सब पहले देख चुका था, पर बाकी घर वालों के लिए बड़ा हैरान करने वाला नजारा था वो। बाबा ने सबसे पहले उसके चारों तरफ राख का एक गोला बनाया। वो अंदर बैठी हंस रही थी। उसके अंदर से दो आवाजें आईं। ओ बुड्ढे, तू कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। देख मैं कैसे इसे अपने साथ ले जाता हूं। उसने बैठे बैठे अपने कपड़े ऊपर किए और अपने नाखूनों से अपने पेट को फाड़ने लगी। ये देखते ही पति उसकी तरफ दौड़ के आया। ये क्या कर रही हो तुम? बीवी ने हंसते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, ये सब तेरी वजह से है, तूने ही तो कहा था। चलो अब जल्दी बैठो स्कूटी पे। याद है तुझे जब तेरी स्कूटी उस रात बारिश से चल रही थी? तू खुद ही तो मुझे बैठा के लेके आया था, और उस रात जो कुछ हुआ वो तूने नहीं मैंने किया था। तेरे नसीब में तो बच्चा था ही नहीं, इसके पेट में तो मेरा बच्चा है, और मैं इसे ले जाऊंगा, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये कहते कहते वो जल्दी जल्दी अपने पेट को फाड़ने लगती है। घर वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पेट से खून बहने लगा था और वो हंसते हंसते बेहोश हो गई। बाबा जी ने कहा, इसे पहले किसी अस्पताल में ले चलो, बाकी काम मैं शुरू करता हूं। उसे घर के पास वाले अस्पताल में लेके गए। एमरजेंसी में ले जाने के बाद जब डॉक्टर ने उसकी हालत देखी तो वो खुद भी हैरान थे। जल्दीबाजी में उसका ऑपरेशन किया और बच्चा जो पहले ही मर चुका था वो उसके पेट से निकाल के अलग किया। डॉक्टर बताते हैं जब उसके पेट से बच्चा अलग किया गया तो वो होश में ना होने के बाद भी बहुत बुरी तरह से चिल्लाई थी। अस्पताल वालों ने बच्चा घर वालों को सौंप दिया कि इसे दफना के आ जाइए। पति ने घर पे बाबा जी को फोन करके बताया कि मेरे हाथ में हमारा मरा हुआ बच्चा है। बाबा जी ने कहा, उसे पूरे विधि विधान के साथ दफना देना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका हूं, अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। दो दिन बाद उसकी बीवी को होश आया। वो दर्द में थी, पर उसके ऊपर से वो साया अब हट चुका था। उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था क्या नहीं। बाबा जी ने बताया कि तुम्हारे साथ पीपल के पेड़ से एक प्रेत आ गया था, जिसे तुमने खुद अपने साथ आने को कहा। जाने अनजाने में तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, इसीलिए कहते हैं बेटा सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कब कौन कैसे हमारे साथ में आ जाए। बहू को ठीक होने में 2 महीने से ज्यादा का वक्त लगा, पर पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसे एक भी चीज याद नहीं थी, और आज तक भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई है। ये कहानी दिनेश ने हमें भेजी है। उन्होंने बताया जब उनके पड़ोसियों के साथ ये सब हो रहा था, कई रातों तक उनकी छत पर भी किसी के घूमने की आवाज़ आती थी, जबकि उनकी छत सबसे अलग थी, आसपास और कोई घर नहीं था। ये था आज का एपिसोड, मुंजिया और पीपल का प्रेत। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। जल्दी मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। मेरा नाम प्रवीण है, दुआओं में याद रखना।